ये है वेलकम साउंड का गीत। भयानक ठंडा है, हम बोगा बोगा हो गया है रे गाइस। ये देखिए सेला पास का बड़ा बड़ा पहाड़। वेलकम टू सेला पास। और ये देखिए तवांग का गेट। ये है सेला का कैफेटेरिया। यहाँ में बहुत ठंडा है, सांस लेने के लिए थोड़ा तकलीफ है। हेलो तवांग। और यहाँ पे है मेरा बाइक। ये हो गया, बहुत ठंडा है रे। और ये है हम लोग पूरा सेला पास में है ना, सेला पास में है हम लोग। तवांग जाने वाले हैं, यहाँ तवांग के सामने गेट है। और यहाँ में बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। टेम्परेचर आई थिंक टेम्परेचर 3 जैसे 3-4 है। और चलिए सेला पास दिखाता है। तवांग टाउन में 2 डिग्री सेल्सियस। खाना खाने जा रहा है। होटल 2 डिग्री सेल्सियस। देखो देखो ये है रोटी। ये है बबलू और ये है संजू बाबा। सेला लेक। ये हम लोग का भैया लोग है। सेला लेक और ये सुंदर नजारा यहाँ का ऊपर में आइस है और ये लेक पूरा फ्रोजन है। देखिए हम लोग का कोलकाता का राइडर्स पूरा। ये है मेरा बाइक, ये है बोबिल का बाइक और ये है हम लोग का गुवाहाटी में पहनने वाला भैया का बाइक और ये है कोलकाता का बाइक। ये बाइक है वेस्ट बंगाल से।
और ये वेस्ट बंगाल से चला गया है पूरा। रियल राइडर, रियल राइडर, यो यो। और ये भाई अभी पूरा व्लॉगिंग कर रहा है। चलिए, पूरा सुंदर लग रहा है ना। लद्दाख जाएंगे, आप लद्दाख जाएंगे ना। हाँ अच्छा है, अच्छा है, कोई नहीं रखता, मोट कच्चू के टक से वापस आ जाएगा ना। हे मोनेस्ट्री है इनोग्रेटेड बाय किससे है, थोड़ा नाम हम नहीं देखा, पूरा बर्फ है इसमें, देख लीजिए ये बर्फ है, देखिए पूरा मोनेस्ट्री में सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है, हम बर्फ में चल रहे हैं। ये है बर्फ, ये है, ये है, हम अभी वो पहाड़ पार करने से चाइना बॉर्डर मिलेगा आपको, चाइना बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भयानक ठंड है, सब जगह बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ, इतना ठंडा है इधर में, पूरा फट गया है मेरा, फट गया। ये देखिए ना, देखिए आइस एंड स्नो। ये है तोंगपेन ला कैफे, द हाईएस्ट कैफे इन द वर्ल्ड, बुमला पास जाने के समय में आपको मिल जाएगी। ये है, अभी इतना स्नो और सब नहीं है, तो इस रास्ते से बुमला पास आ जाएंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं, जारी जोर से बात नहीं कर जा सकती क्योंकि तो सांस लेने में बहुत तकलीफ है, वही बात है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं काफ़ी नज़दीक, बुमला के काफ़ी नज़दीक, और इधर में है पूरा आइस एंड स्नो, सब जगह है। और ये है बुमला 0.5 किलोमीटर, और ये है मेरा बेबी जो हमको इधर में लेके आया। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद हम जा रहे हैं, हमने बहुत एडवेंचर किया, अच्छा लगा। और हमारे राइडर आ रहे हैं, आपको दिखाएंगे, रुकिए। हमारे को राइडर, हमारे राइडर्स आ रहे हैं, कोलकाता के राइडर्स पहुंच गए हैं, चले गए। तो चलिए और भी दो लोग आ रहे हैं, तो उनको बाद में दिखाएंगे। चलिए बाय। आपका मोबाइल फ्रॉम द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। और देखिए पूरा बर्फ है इधर में, फील्स वेरी कोल्ड हियर। तो आपको हम नज़ारा दिखा देंगे, देख लीजिए थोड़ा। ये चश्मा अभी खरीदा हूँ और साहब जी को दे दिया, अलग वाला अच्छा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये है मेरा, इधर में दिखाई देगा आपको सब कुछ, वो जो आपको आदमी रुकते हुए दिखाई दे रहा है ना, उधर में आपको दिखाई देगा। और ये गेट से जाना है, वही है स्नो, स्नो है। और इधर में मेरा बाइक है, ये है, ठीक है, चल के जा रहे हैं हम लोग स्नो में। बाकी सब कुछ ठीक है, ये हम चल रहे हैं स्नो पे। मेरा फर्स्ट टाइम है ये एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब हम एक बोलेगा बात, अब जब भी स्नो में आएगा ना, है कि नहीं दोस्त, जब भी स्नो में आएगा एक अच्छी वाली सनग्लास ले लेना, नहीं तो आँख पे बहुत रिफ्लेक्ट करता है। एकदम चाइनीज आर्मी लुक को भी देखा है हम लोग के ला ना। और ये है लास्ट क्लिप से ला पास से बुमला पास तक का, ये बुमला पास है पूरा, इधर में आइस एंड स्नो है। और इधर से हम अभी निकल जाएंगे, कल आपको जांग वाटरफॉल्स दिखाएंगे। मेरे पास गोप्रो इतना नहीं है,
मेमोरीज के लिए थोड़ा क्लिप्स ले रहा है, तो यूट्यूब में डाल देगा। आपको देख के कैसा लगा बोलिए, ठीक है। इधर मैं बिना सनग्लास का आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि आँख में पूरा रिफ्लेक्ट करता है स्नो, और इसलिए एक अच्छी सनग्लास ले लेना। और इधर मैं ज़्यादा भागा भागी नहीं करना है, ज़्यादा भागा भागी करने से सांस फूल जाता है, ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी लो, इवन लाइटर भी नहीं जलता है अच्छे से। तो चलिए मैं निकलता हूँ, बाय बाय गाइस। यहाँ पे हूँ मैं, और देखिए ये नज़ारा बहुत सुंदर है। स्नो कोटेड माउंटेन, और ये एक लेक है छोटा मोटा, और मिकेम का उधर में एक मंदिर है, और ये सुंदर व्यू है यार। गोप्रो नहीं है, नहीं तो मैं आपको बढ़िया दिखाता। ये आपको मिलेगा बुमला जाने के समय, क्लेमटा है हाँ जगह के नाम, चौथरिया, ठीक है। चलते हैं हम घर की ओर, जांग में रुकेंगे आज। बोलोगे हम लोग अभी चाइना बॉर्डर के सामने आ गया, अभी यहाँ पर पास लगेगा। हर चारी और बर्फ एंड बर्फ, अभी चाइना का सिग्नल भी मिल रहा है, मोबाइल में टावर आ रहा है चाइना। देखो अभी हम लोग पास बना के पैदल चाइना बॉर्डर जाएंगे, दिखता हूँ मेरा भारत महान। हम लोग गलती से बाइक लेके भीतर ही चला गया था, मेरा फ्रेंड को पकड़ के रख दिया था जेल में, फिर उसको मैं छुड़ा के लाया, उसके बाद छोड़ दिया। জিজ্ঞেস করে নিছি আমি, এখানে যত ইচ্ছা তোল বুমলা দেখে বুমলা হামলো 15,200 ফিট উপর হুম। डब्लू गब्लू यहाँ तो फोटो लेना ही पड़ेगा, मजा आ गया। मॉर्निंग इट्स 4:58 इन द मॉर्निंग, और अभी हम तवांग से कल वापस आ चुके हैं, आज जांग में ठहरे हैं। कल रात ज़्यादा हो गया इसलिए रात को राइड समाप्त कर दिया, मीन्स क्लोज कर दिया राइड। उसके बाद हमने स्टे किया जांग में, आज हम जांग वाटरफॉल देखेंगे, उसके बाद सीधा वी विल गो टू होम। यस या वी एंजॉयड अ लॉट, नाउ वी आर गोइंग होम विथ एम्प्टी पॉकेट्स बट नो रिग्रेट्स। बहुत बढ़िया लगा यार, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हमारा केला, केला बर्फ खा रहा है, ये देखो केला बर्फ में कैसा कर रहा है, शक्तिमान के जैसे घूमो। शक्तिमान शक्तिमान हम जांग का व्यू देखो सुबह में, ये हम लोग का संजू बाबा। वेलकम टू बीआरओ आरसीसी। सब जगह में ठंडा है, जांग में ज्यादा ही ठंडा है, लगता है ये आर्मी का प्रॉपर्टी है, इसमें नहीं घुसने से ठीक है क्या। ये हम लोग पहुंच गया जांग वाटरफॉल, काफी सुंदर नजारा है इधर में, पहुंच गया है हम लोग।
अभी जांग वाटरफॉल में जाएंगे। ये है हमारा संजू बाबा। संजू बाबा यो, हाउ इज द दोस्त, हाउ इज द फीलिंग, कैसा लग रहा है यार? होगा ये देखिए। ये है आपका जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल, 10,900 फीट में है। अंदर चलते हैं। आज 13 दिसंबर है और हम लोग आ गए हैं, हम लोग लौट रहे हैं एक्चुअली तवांग से। तो लौटने के समय हम लोगों को जंग वाटरफॉल मिला, तो वाटरफॉल में हम लोग रुके हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। वाह, बहुत ठंडा भी है। हम लोग अभी दो फ्रेंड है, बाकी सो दो फ्रेंड बाकी तीन फ्रेंड अभी होटल में सो रहा है। देख लो पहाड़ों के बीच ये वाटरफॉल है, ये जंग वाटरफॉल। छोटा वाटरफॉल है मगर बहुत खूबसूरत है। टेम्परेचर तो बहुत कम ही है यहाँ पर, ठंडा तो बहुत लग रहा है, आदमी भी कम है। ये फ्रेंड है मेरा, एक्चुअली इसको मैं आने के समय सोलो राइड कर रहा था, मेरे से हम लोग के साथ ज्वाइन कर लिया। चलिए हम लोग ये जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल के अंदर चलते हैं। एकदम सुंदर नजारा है। जसवंत सिंह ऑल रैंक्स 10 गरवाल राइफल्स 2007-2010 इधर में है आदमी, उसके नाम लिखी हुई है इधर पे, काफी सुंदर है। गरवाल राइफल्स की इधर से है। देखता हूँ ट्राई करके क्या मिलता है। और यही है राइफलमैन जसवंत सिंह, इनकी मेमोरी में ये सब बनाया है। वॉर हीरो जसवंत सिंह, इनके सभी चीज़ें इधर पे है। अच्छा लगा फिर, सब देखने आना चाहिए, ये सब हम लोग का प्राउड लगता है ना, यही हम लोग को बचा रहा है आर्मी लोग। बाय सेलापास, हम घर रिटर्न कर रहे हैं रे। एकदम हवा मार रहा है इधर में, पूरा रुकने नहीं सक रहे हैं, ऊपर जाएंगे। चलिए हवा 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 मार रहा है, हवा हवा बहुत भयानक हवा, हवा रुकने नहीं सकते, हवा आदमी को ठेल के फेंक देगा रे। सेलापास में चलिए हम चलते हैं घर। बाय बाय। द क्लाउड्स मैन, क्लाउड्स आर नियर मी, ना क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। देखो क्लाउड्स में पूरे ईशन हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। देखो साइड क्लियर में है, ये है आपका 15,200 फीट में। देखिए ये देखिए ना, जैसे वेपर मार रहे हैं। Never saw man this clouds like this. Wow.
सामने में है, काफी सामने है, ये देखिए ये है मेरा बाइक इधर में है। वो अभी पूरा फोगी फोगी हो गया, लगता है मेरे को निकलना चाहिए, तो देरी हो जाएगा, मैं घर नहीं जा पाऊँगा, पूरा फोगी फोगी हो गया, जगह ही फोगी फोगी हो गया। राइड कंप्लीट हो गया, अच्छे से घर पहुंच गए हम, और ब्लॉग कैसा लगा आपको देखने के लिए बताइएगा। इतना ब्लॉग बनाएगा बोल के नहीं गया था, जस्ट मेमोरीज के लिए बना दिया और थोड़ा क्लिप्स ऐसे ढाल दिया, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब देख लूँगा ना। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके ऊपर है वो। तो गाइस बाय बाय।